अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ और फिटनेस। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं अक्सर वेट लॉस की बात कर रहा होता हूँ। आप लोग जो इस वीडियो को देखने हैं यकीनन वो भी अपना वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन देखें वजन कम करने की किन लोगों को जरूरत पड़ती है। वो उनको पड़ती है जिनका वजन बढ़ रहा होता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस की, लेकिन सबसे पहले देखो प्रॉब्लम का जो 50% सोल्यूशन है ना, वो ये है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लो। तो माशाल्लाह से आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि आपका वेट बढ़ रहा है। अब बढ़ क्यों रहा है पहले वो रीजन निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वेट कम करने में जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका वेट क्यों बढ़ रहा है और बढ़ना कैसे रुक गया। तो पहले तो बढ़ना रुकना है ना, 60 था, फिर एक महीने बाद 65 हो गया, फिर 70 हो गया, 75 हो गया, दो बच्चों के बाद 90 हो गया। क्यों हो गया, वजन क्यों बढ़ रहा है, पहले उन रीजन को देखते हैं, फिर हम वजन कम करने पर जाएंगे। तो आज की वीडियो है कि आपका वेट क्यों बढ़ रहा है, वीडियो शुरू करते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अच्छा, लेकिन सबसे पहले तो रूल आउट करें कि आपका वेट क्यों बढ़ रहा है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैं आपके सामने कुछ रीजन रखने वाला हूँ। उन रीजन को देखें कि आपकी लाइफ से वो मैच करती हैं, तो सबसे पहले उन रीजन को अपनी लाइफ से निकालें, ठीक है, ताकि आपका वेट बढ़ना रुकेगा तो फिर आप कम होने की तरफ जाएंगे। सबसे पहली रीजन ये है कि आप लेजी हैं, आप सुस्त हैं, इंतहाई सुस्त हैं। सही है, बुरा नहीं बनाइएगा, लेकिन अगर ऐसा है तो थोड़ी सी एक्टिव हो जाए प्लीज। मर्द हजरात के साथ भी ऐसा है, अगर आप हर वक्त बेड पर लेटी रहती हैं, हर वक्त सोफे पर बैठी रहती हैं, मोबाइल इस्तेमाल करती रहती हैं और दूसरों की बुराइयाँ करती रहती हैं और दूसरों की बुराइयाँ सुनती रहती हैं, तो फिर अपनी लाइफ को आपको शदीद चेंज करने की ज़रूरत है। दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी ये चेंज कीजिए और आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, वजन बढ़ना रुक जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह ताला। तो बैठना बंद करें, छोटे मोटे काम खुद कर लिया करें, खड़े होकर पानी पीना, घर में काम करें, किचन में काम करें, सफाई प्लान करें। समर आ रहा है, स्प्रिंग आ रहा है, मौसम को एंजॉय करते हुए प्लान किया करें। मैं अपने घर में ये चेंजेस कर लूँ, हर चीज़ के लिए पैसे नहीं लगते, दिमाग लगता है और इरादा लगता है। छोटी मोटी चेंजेस करूँगी, सफाई कर लूँगी, ये काम मासी से करा के अगर आप हर वक्त सोफे पे और बेड पर बैठे रहोगे तो ट्रस्ट में आपका वेट बढ़ेगा। नंबर वन रीज़न। नंबर टू रीज़न कि आप खाना बिल्कुल नहीं खाते। लोग कहते हैं कि खाना खाने से वजन बढ़ता है, भूखा रहने से भी वजन बढ़ता है। आप नाश्ता अगर चाय बिस्किट वाला करते हो, वाइट डबल रोटी वाला करते हो, पूरे दिन कुछ नहीं खाते हो, तो बॉडी में ऐसे केमिकल बनते हैं। देखिए हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, सही, आज के स्मार्टेस्ट गैजेट से भी स्मार्ट हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी क्या करती है, उसको नहीं मिल रहा तो वो सब कुछ स्लो कर देती है, ठीक है, उसको मिल रहा है तो वो सब चीज़ें टेस्ट प्रोसेस करती है, वो फिर हाजमा आपका स्लो हो जाता है। तो अगर आप भूखे रह रहे हो तो आपका वजन बढ़ रहा है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नंबर थ्री पॉइंट ये कि आप बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब बहुत ज़्यादा खाने वालों को पता ही नहीं चलता, तेज़ खाते हैं वो खाना। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी मैंने फिर सोचा यार मैंने गलत किया, मैंने एक रोल मंगाया, मैंने वो रोल खाया और आपको पता है मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा हुआ था, उसने आधा भी नहीं खाया, वो मैं खा गया। फिर मुझे ख्याल आया कि हावर साहब इसीलिए तो पेट पर चर्बी आ रही है, फिटनेस ख़राब होती जा रही है, ये खाना तेज़ खा रहा है। खाना तेज़ खाते हो, खाना ज़्यादा खाते हो तो आपका वजन बढ़ रहा है। खाने को कम करो, ना बिल्कुल ख़त्म करो, ना बहुत बढ़ा दो। खाने खाने का बेहतरीन तरीका है कि खाने के तीन हिस्से, मैदे के तीन हिस्से होते हैं, ये हदीस नबी भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ मफहूम बता रहा हूँ, अल्लाह कभी पेशी माफ़ करे, कि एक हवा का, एक खाने का, एक पानी का। पहले पानी पिया करो, फिर खाना इतना खाया करो कि हवा का हिस्सा खाली रहे, ठीक है। ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है आपके वजन बढ़ने का। एक बड़ा रीज़न हो सकता है आपके हॉर्मोन्स। मैं आपको बताऊँ, अगर आपके हॉर्मोन्स में डिस्टर्बेंस है ना, तो आप कितनी डाइट कर लो, कुछ भी कर लो, आपका वेट कम नहीं होगा। आप पहले अपने हॉर्मोन चेक कराओ, स्पेशली थायराइड का टेस्ट लाजमी कराओ, सही है, और डॉक्टर से एक बार, अपने डॉक्टर से, जनरल फिजिशियन से, या जो भी वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं, मेरे ख्याल से एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको, जो हॉर्मोन्स के डॉक्टर होते हैं, एक बार जाके उनसे अपना लाजमी चेकअप कराओ। अगर वो आपको कहते हैं कि हॉर्मोन का टेस्ट कराना है तो करा लो, ठीक है। वैसे ही डाइट प्लान लेके मुझसे, मेरे नीचे नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, इतने ज़बरदस्त मेरे डाइट प्लान होते हैं, डाइट प्लान लेके शुरू करो। अगर तो वजन कम हो रहा है तो बेस्ट है, अगर डाइट प्लान के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा तो एक बार हॉर्मोन का टेस्ट लाजमी कराओ, ठीक है अपने। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बड़ी ज़रूरी बताऊँ कि हम अपने हॉर्मोन्स को कभी कभी खुद भी ख़राब कर देते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा के, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खा के। प्रोसेस फूड की आसान डेफिनेशन बताऊँ, हर वो चीज़ जो किसी फैक्ट्री से होकर गुजरी वो प्रोसेस फूड है। पैकेट में बिकने वाले चिप्स भी प्रोसेस फूड हैं, ठीक है, कोई बिस्किट भी प्रोसेस फूड है, आपका कोई ये जो अलग अलग ब्रांड के प्रोसेस चिकन और नगेट्स मिलते हैं, ये सब भी प्रोसेस फूड है। रॉ फूड खाना शुरू कर दो कुछ महीनों तक, देखो रॉ फूड मतलब सब्जी गोश्त जो ताज़ी होती है, ठीक है, आपका वेट भी कम होना शुरू होगा, आपके हॉर्मोन्स के मसले भी खत्म होंगे। और हाँ, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, दूसरों की बुराई सुनना, दूसरों की बुराई करना, टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना बंद करो। जब आप स्ट्रेस और टेंशन लेते हो, आपकी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन बनता है, एक ऐसा केमिकल बनता है जो कि आप एक तो फैट एक्युमुलेट करता है, दूसरा वो बाकी सारे केमिकल्स को भी डिस्टर्ब करता है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी ना करो और बिल्कुल जो अपना लेजी और सोचना बीच का रास्ता
अपना एडोनाल वाला, इन चीजों पर अमल करो, आपको समझ में आएगा आपका जो वेट बढ़ रहा था वो कम हो जाएगा। व्हाइट आटा, व्हाइट चावल और व्हाइट चीनी थोड़ी सी बंद करो, फिर आप डाइट प्लान कोई भी फॉलो करो, देखो कितने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ा मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।